जी, ये स्लाइड गिटार की यात्रा बहुत दिलचस्प है जी और भारत में इसका प्रवेश 1920 और 25 के लगभग हुआ था। जी तो उसके बाद सबसे पहले उस समय तो हम सभी विदित हैं हमें कि ब्रिटिशर्स का राज्य था और उनके साथ साथ उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे भारतवर्ष में प्रवेश किए थे। और सबसे पहले कोलकाता वॉज द बेस्ट, मतलब कि वही उनका जो मुख्य स्थान कोलकाता ही था उस समय। तो कोलकाता में ये इंस्ट्रूमेंट भी आया सबसे जी पहले, देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में ही इसका पदार्पण हुआ और साथ में कुछ कोस्टल एरियाज दूसरे भी जैसे गोवा, दमन, दीव में भी आया था। पर कलकत्ता में जब आया तो इसको लोगों ने इसको अपनी मतलब शास्त्रीय संगीत की शैली में और रविंद्र संगीत के रूप से माध्यम से उसको अपनाया। तो एक तरह से भारत की जितने भारतीय गानों का जो था उसमें अडेप्टेबिलिटी इसकी इतनी अच्छी थी कि जी चाहे वो रविंद्र संगीत हो चाहे क्लासिकल म्यूजिक के माध्यम से हुआ, तो बहुत अच्छे अच्छे जो कलाकार वहां पे हुए जिन्होंने अपना एक नाम और मान बढ़ाया हुआ है उसमें पहले से। और साथ में बॉलीवुड में भी उस जमाने के गानों में भी आपने देखा होगा पार्श्व संगीत में बहुत तायत में उसका प्रयोग किया जाता रहा है। और शास्त्रीय संगीत की बात अगर आती है तो इसका बहुत बड़ा श्रेय पंडित बृजभूषण काबरा जी को जाता है जिन्होंने सबसे पहले गिटार को भारतीय शास्त्रीय संगीत में इन्होंने अपनाया और उन्होंने तरप वगैरह तारों का प्रयोग करके इसको इंडियन क्लासिकल रूप में इसको इन्होंने इसका एक रूप दिया। और बाद में बहुत ज्यादा इसको इंटरनेशनली और मतलब पूरी तरीके से संपूर्ण भारत और पूरे विश्व में अगर प्रसिद्ध किया है तो पंडित विश्वम्भर भट्ट जी का नाम आ जिन्होंने पूरी तरीके से इसको बहुत ज्यादा ग्लोबली इसको मतलब प्रचारित और प्रसारित किया, ये हम सभी जानते हैं। तो इस माध्यम से इस सबका मतलब गिटार जो कि रेयर इंस्ट्रूमेंट से क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से लोगों ने इसको पहचाना, इसको एक पहचान मिली। और विश्वम्भर भट्ट जी की जो स्लाइड है, जो उनका जो बजाने का जो तरीका है वो अलग है, एकदम यूनिक हट करके है। और हम सबके वो प्रेरणा प्रद बचपन से रहे हैं, उनको देख के मेरे अंदर बचपन से ही बहुत प्रेरणा रही कि मुझे भी गिटार बजाना है। और मुझे बहुत ही प्रिय वाद्य लगता था और ये गुरुजन थे जिनको देख करके और इनके LP रिकॉर्ड सुन करके, इनको रेडियो संगीत सम्मेलनों में सुन करके, रेडियो में सुन करके जो हमारे अंदर की जो इच्छाएं जागृत हुई कि इसको किस दिशा की ओर ले जाना है। इसका बहुत बड़ा रीजन है, मूलतः हम दक्षिण भारतीय हैं, ठीक जी है, लेकिन मेरे दादाजी डॉक्टर रंगस्वामी अय्यर, इनका जो है काशी में इनका मतलब आगमन हुआ 1920 के आसपास। अच्छा और उस समय यहाँ पे आने के बाद फिर इनका विवाह हुआ और मतलब मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरी बुआएं, सबका सबका जन्म ये काशी में ही हुआ। तो आप कह सकते हैं दक्षिण भारत में जरूर मतलब ये दक्षिण भारतीय हम हैं, पर पूरी तरह से माइग्रेट हो गए कई जनरेशन से, 3 जनरेशन से हम यहीं पर हैं। और दादाजी डॉक्टर थे और मेरे पिताजी भी बहुत सुप्रसिद्ध चिकित्सक थे और सभी उनको जानते थे कि वो मद्रासी डॉक्टर जो कि भोजपुरी बनारसी बोलता है, हिंदी बोलता जी है। तो आप समझ सकते कि तो पिताजी का भी मेडिकल ग्राउंड रहा है, दादाजी थे, और हमारे यहाँ सभी का मतलब एक तरह से डॉक्टर मेडिकल ग्राउंड बहुत तगड़ा है हमारे घर का। तो अब पर मेरा जो जन्म हुआ, चूंकि अब माँ भी साउथ इंडियन है पर माँ बंगाल में रही है, पली बड़ी, और उनका पूरा आसनसोल में जन्म और वहीं पे शिक्षा दीक्षा उनकी वहीं हुई। तो जिस प्रकार हम लोग हिंदी बोलते हैं उसी प्रकार माँ भी जो है बंगाली बहुत अच्छे से बोलती हैं, लिखना पढ़ना भी उनको उसमें बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल महसूस करती हैं वो। अब पर चूंकि उस जमाने में जो पहला जो मतलब प्रसव के बाद जो पहला बच्चा होता है जी वो जो है माँ के घर पे ही होता है, तो नाना नानी उस वक्त तंजावर के ही अपने गांव में थे। तो मेरी जो पैदाइश मतलब मेरा जो बर्थ हुआ वो वहीं पे तंजावर के गांव में ही हुआ मेरा। तो जी 2-3 महीने का मेरी अवस्था रही होगी, वापस मैं काशी में अपने घर पे चली आई। तो वो जो जन्म हुआ और जो 2-3 महीने का जो अवधि था वो मेरा वहीं पे तंजौर में बीता। तो इसलिए तमिलनाडु में जन्म मान सकते हैं और लालन पालन बनारस में, नेचुरली पिताजी यहीं पे थे तो यहीं पे स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, संगीत की शिक्षा सब कुछ बनारस में, जिसके लिए हमें बहुत आत्मगौरव का अनुभव होता है कि इतनी अच्छी भूमि और यहाँ पे ये सब शिक्षा शिक्षा दीक्षा होना अपने आप में गौरव की बात है, ये ऊपर वाले की कृपा है। का
मैं रीजन बताती हूँ, जैसे कि आपने अभी बोला बंगाल में भी अधिकतर परिवारों के अंदर ये एक होती है कि कुछ ना कुछ संगीत से जुड़ी चीजें जरूर वो उससे सीखते हैं। इसी तरह दक्षिण भारत परिवारों में भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल। जैसे कोई ना कोई वीणा बजाना, गाना करना, कर्नाटक म्यूजिक के प्रति बहुत ज्यादा वो लोग मतलब बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं और उसके भक्त होते हैं। अधिकतर लोग यहाँ आपको कर्नाटक संगीतज्ञ का कोई ना कोई आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिल ही जाएगा। और माता जी ने भी कर्नाटक संगीत की शिक्षा ली हुई है मम्मी ने, तो इससे उनको हमेशा से रहा कि बच्चों को मतलब ये संगीत से उन्हें जोड़ना चाहिए और उनको सिखाना चाहिए। तो मम्मी ने भी सीखा हुआ है। तो मम्मी सबसे पहले उस जमाने में एक श्रुति बॉक्स होता था जो कि लकड़ी का होता था और उसमें जो पिच एडजस्टर होता था वो लकड़ी जैसा गोल गोल घूमता था। तो मम्मी को एक दिन लगा कि चलो बच्चों को एक बार देख लेते हैं कि ये सुर में है कि नहीं। तो मैं और मेरी बहन को दोनों को बैठाया माता जी ने और माँ ने सा वगैरह गाना बोला, गाने को बोला, खुद गाया और हम लोगों ने भगवान की कृपा से हम लोगों ने सुर में गाया उसको, तो बहुत खुश हुई। तो प्रारंभिक कुछ भजन वगैरह उन्होंने हमें सिखाया, फिर उसके बाद विधिवत शिक्षा हम लोग की गायन की यहाँ पे बनारस में पंडित अमरनाथ मिश्र जी के सानिध्य में हुई। 6-7 साल हम लोगों ने गाना सीखा उनके। बहुत मतलब मेरा सौभाग्य रहा है कि इन सब ऋषियों मतलब ऋषि तुल्य गुरु जो थे हमारे इर्द गिर्द और उनका बराबर उनका आशीर्वाद और स्नेह मुझे प्राप्त होता रहा। सबसे पहले इसकी एक वजह तो मेरे पिताजी रहे। पिताजी चिकित्सक होने के कारण क्या हुआ कि इतने सारे संगीतज्ञों की उन्होंने बड़ी सेवा की है पिताजी ने। और पिताजी की खास बात यह थी कि पिताजी ने कभी कंसल्टेशन फीस नहीं ली और सभी संगीतज्ञ उनको बहुत भरपूर आशीर्वाद देते थे। तो कई बार बोलते थे कि आप ही लोग के आशीर्वाद का नतीजा है कि हमारे घर में बिटिया जो है संगीत से जुड़ गई, कई बार वो बोलते थे। तो इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि पंडित किशन महाराज जी, पंडित गोलय महाराज जी का हमारे घर में आना जाना, इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद मिलना मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ कि हमारे बचपन में किस प्रकार उनका पदार्पण होता था। उतने ही स्नेह के साथ मिलते थे और हमेशा गाइड करते रहते थे। तो ये सब सानिध्य मिलना ये सब ईश्वर की कृपा का ही परिणाम होता है, मैं तो ये हमेशा मानती हूँ। पंडित जी का हमारे गुरु के तौर पे मतलब वो सबसे पहली बात कि वो बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे हम दोनों को। तो घर पे आते थे हम लोग जैसे कि बच्चों जैसे उनसे लिपट जाते थे सबसे पहले, ठीक है। तो इतना अपार स्नेह, बिटिया बैठो बेटा, तो हारमोनियम लेके बैठते थे तो सबसे पहला उन्होंने हमें भोपाली सुना, भोपाली सिखाया हमें। तो पता है सारे ग प ध स सा ध प ग रे सा, तो बोले बच्चे तुम लोग देखता हूँ तुम लोग गाओ, हमें पता है तुम लोग सुर में ठीक हो। तो उन्होंने अपना हारमोनियम बजाया तो हम लोगों ने गाना शुरू। पहले हम लोग बड़े कांप रहे थे कि गले से आवाज ही निकल रही थी, डर गए थे, पर गुरुजी ने हम लोग को बहुत ही प्यार से बैठाया कि आराम से गाओ, देखो उतने तन्मयता से उन्होंने सिखाया। फिर जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, ये सबसे पहली बंदिश थी। और मतलब बहुत सारी बंदिशें उन्होंने ऐसे ही उस जमाने में रिकॉर्ड करने की, मोबाइल से सब करने की, ये सब परंपरा नहीं थी। हमेशा बोलते थे दिमाग से याद किया करो। तो हम लोग बहुत सारी बंदिशें ऐसी मुंह जमानी इतनी याद हो गई, तो इसका श्रेय गुरुजी को ही जाता है। ऐसे ऐसे खेल खेल में उन्होंने पूरा धनाश्री, फिर उसके बाद बसंत, परज, ललित, ऐसे बहुत सारी बंदिशें और तान। तो हम लोग ऐसे मतलब शुरुआत तो आपका जैसे आप कह सकते खेल खेल ही आया, लेकिन खेल कब सीरियस बन गया, हम लोग कब उसमें रस लेने लगे और उसमें एकदम एंग्रोस्ड हो गए, तो वो सब मेरे ख्याल से समय के साथ विद्या की और गुरु गुरु का सहयोग और प्रेम होता है। तो इससे हम लोग काफी उससे जुड़ते चले गए। Thank you.
जब गुरुजी हमारे घर में पंडित अमरनाथ मिश्रा जी जब आने लगे, हमें सिखाने लगे, मेरी और मेरी बहन रूपा को, तो 6-7 साल हम लोग की शिक्षा चलती रही निरंतर। तो फिर उस जमाने में ऐसा होता था कि अरे बच्चे सीख रहे हैं तो साथ में प्रयाग संगीत समिति से इनको एग्जाम भी दिलवा दिया जाए, आप समझते ना, ऐसा होता था उस समय। तो करीब 10 साल की अवस्था में हमने प्रयाग संगीत समिति की जो कुछ परीक्षाएं हम लोगों ने किया, 4th year, 5th year, 6th year जो डिप्लोमा और प्रभाकर इसमें आए। तो जब मैं 12 साल की हुई तो उसके लिए जो सेंटर जो चुनाव किया गया था, मैं प्रभाकर का एग्जाम मैंने 12 साल की उम्र में दिया है। तो गुरुजी ने बोला कि देखो सेंटर यहाँ पे है, तुम जाके पता लगाना। तो हमारे यहाँ से जाके पता लगा गया, घर के पास ही शास्त्रीय संगीत विद्यालय करके था। हाँ, उसमें भी बहुत अच्छे कलाकार लोग थे जो कि चलाते थे, पंडित अमीय भट्टाचार्य जी और उनकी पत्नी श्रीमती अमला भट्टाचार्य जी, तो वो भी बहुत मतलब गुणी लोग थे। तो उनका ये सेंटर चलता था, तो उसमें जाकर के एग्जाम देने के लिए हम लोग वहां भी जाते थे। तो एग्जाम देने के दौरान देखा कि नीचे गिटार क्लासेस भी चल रहे हैं, तो मैं जाती थी क्योंकि उधर भी क्लास करने जाती थी। फिर मैं नीचे एक दिन मतलब ठिठक के खड़ी होकर सुनने लगी दरवाजे पे खड़े होके, तो देखे शिवनाथ भट्टाचार्य जी सब स्टूडेंट्स को गिटार सिखा रहे हैं। तो मैं वही दरवाजे की ओर पे खड़े 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 वहां देखती रही। फिर एकदम से आए घर आके, मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे भी गिटार सीखना है। तो माता जी ने बोला कोई दिक्कत नहीं बेटा, मन है तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो उस जमाने में गिटार जल्दी से मिलता नहीं था बनारस में भी, कलकत्ता जाकर के लेना पड़ता था। तो शिवनाथ भट्टाचार्य जी से मुलाकात किए। तो उस जमाने में ऐसा नहीं कि बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते थे, बच्चे हमेशा माता पिता पर ज्यादा आश्रित होते थे। तो पापा या माँ जरूर जाते थे, हाथ पकड़ के जा रहे हैं कि बात करते थे गुरुजी लोगों से कि बच्ची सीखना चाहती है ये वगैरह, नेचुरल सी बातें, तो ये सब बातें होती थी। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, ये तो गाना सीखी हुई है तो शायद इसको इसमें गाना बजाना या इसको सीखना इसके लिए आसान पड़ सकता है। तो गिप्टन कंपनी का गिटार लिया गया, मैं और पिताजी कलकत्ता गए ट्रेन में बैठ के, फिर वहां से गिप्टन कंपनी का गिटार लेके आए। गिप्टन, गिब्सन ये सब कंपनी थी जो कि गिटार बनाती थी जो कि कलकत्ता में ही अवेलेबल होती थी। तो वापस हम बनारस आए तो फिर गिटार की जो यात्रा एकदम से शुरू हुई। एकदम से जो स्विच हुआ ना, वो शायद मुझे लगता है कि मम्मी वेस्ट बंगाल में, मम्मी का जन्म और मम्मी का सब कुछ परिवेश वो था, तो कहीं ना कहीं शायद बंगाल का ही जीन्स में भी हो सकता है कैन बी की एकदम से जो अट्रैक्ट किया। तो बिल्कुल जो मैंने कभी नहीं सोचा था सपने में भी मैं इंस्ट्रूमेंट बजाऊंगी, क्योंकि हम लोग वोकल म्यूजिक कर रहे थे बहुत सीरियसली। तो उसके बाद एकदम से जो शिफ्ट हुआ तो कब ये अपना बन गया और यात्रा जो है मेरी अनवरत जारी है इसके साथ ही, इस इंस्ट्रूमेंट के साथ ही। हाँ, ये सब प्रभु की कृपा है और चल रही है ये सब चीजें। जी, ये भी स्लाइड गिटार का ही प्रकार है। कहने का मतलब है कि मैं 1999 तक मैंने 6 तार के गिटार पर ही क्लासिकल बजाया, तब तक मैंने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किए थे। लेकिन फिर मुझे लगा कि जो क्लासिकल के जो पहलुओं को और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए, और अपने गुरुजनों को भी देखा तो मुझे भी लगा कि वो तरफ के तारों का या टोनल क्वालिटी में भी फर्क होनी चाहिए करके मुझे लगा। तो करीब लगातार कुछ वर्षों तक मेरी चिंतन चली और मेरे अंदर लगा कि इसमें भी कुछ होना चाहिए रिसर्च। तो बहुत सोचा, मुझे अपने एक अपनी खास टोनल क्वालिटी मुझे चाहिए थी। मैंने कई इंस्ट्रूमेंट मेकर से बात भी किया पर वो जो पसंदीदा मुझे मतलब उसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे नहीं मिल पाया। बाद में पंडित ये बिशनदास शर्मा जी, रिखी राम एंड सन्स म्यूजिकल जो दिल्ली के, उनसे मेरी बात हुई। अंकल बहुत प्यार करते थे, उनको मैंने अपनी बातें बताई कि अंकल मैं चाहती हूँ कि इस तरह का गिटार होना चाहिए जिसकी टोनल क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि बेटा मुझे वक्त दो, मैं कुछ महीनों में करके तुम्हें बताता हूँ। तो करके उन्होंने शंकर गिटार निर्मित किया, और इतना मतलब जो इतना सुंदर टोनल क्वालिटी जो कि बिल्कुल मेरे दिल के नजदीक था, और मुझे लगा कि ये एक अच्छा वर्जन इसका निकला है। है तो वो स्लाइड गिटार ही शंकर, इसलिए कि उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया था कि बेटा आप काशी नगरी से हो और आपके जो अधिष्ठात्री देवता हैं हमारे महादेव हैं, देवों के देव महादेव है, तो उनके नाम से इसका होना चाहिए। वो अलग बात है कि कोइंसिडेंटल माय फादर वाज आल्सो डॉक्टर शंकर, पर ये मेरे पिताजी से नहीं रिलेटेड है, भगवान को समर्पित है, वादे किया गया, इसीलिए मैंने इसका नाम शंकर गिटार दिया है इसका नाम।
और कुछ नहीं है। तो उनका आशीर्वाद है, बिशन अंकल का भी बहुत आशीर्वाद जुड़ा है इसके साथ साथ। और अभी और भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, अभी एक और दो तीन और मतलब इनोवेशंस हुए उस गिटार में, थोड़ी थोड़ी टोनल क्वालिटी, थोड़ा बेस स्ट्रिंग्स में। तो इसमें यात्राएं चल ही रही हैं, क्योंकि आप एक तरह से देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट तो चल ही रहा है हर एक तरह से। इंस्ट्रूमेंट अगर आप कुछ बनाते हो गिटार का ही, तो उसकी टोनल क्वालिटी से लेकर के उसकी और आवाज कैसी आ रही है, तो एक और वर्जन भी तैयार हुआ अभी। Thank you.